मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से जीएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उन्होंने मधुपुर अनुमंडल कार्यालय में निर्वाचित पदाधिकारी राजीव कुमार के समक्ष नामांकन पत्र सौंपा दाखिल किया। उनके साथ में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मौजूद थे। नामांकन करने के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बताया कि महागठबंधन की सरकार में झारखंड में चौतरफा विकास हुआ है। केंद्र की सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल भेजकर विकास को बाधा पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन सच्चाई की जीत हुई और हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए। पुणे एक बार झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी, वहीं मधुपुर से हफीजुल हसन रिकॉर्ड मत से विजय हासिल करेंगे। इस मौके पर झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन ने बताया कि हेमंत सरकार में झारखंड में चौतरफा विकास हुआ है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मधुपुर को एक नए मधुपुर बनाना हमारा मकसद है, जिसे हम आने वाले समय में पूरा करेंगे और जनता भरपूर साथ देगी। नामांकन करने के बाद कार्यालय के बाहर समर्थकों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जब से झारखंड बना तब से बीजेपी की सरकार अधिक रही है। एक तरफ 5 मुख्यमंत्री और एक तरफ मेरा सिंधू कानू जैसा क्रांतिकारी क्रांतिवीर तिलका मांझी के तरह संघर्ष करने वाला वीर अकेला हेमंत सोरेन, जिन्होंने ना जात देखा, ना धर्म, ना मजहब, ना आदिवासी, इंसानियत के लिए और झारखंड के लिए काम किया। एक तरफ हेमंत है, दूसरे तरफ हेमंत गुंडा है। एक तरफ अदानी, तो किसको चुनेंगे, अदानी की सरकार को या इस झारखंड के बचाने वाले जो गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी जी और झारखंड में जो क्रांतिवीर हमारे अकेला हेमंत सोरेन जी जो सब तक विकास पहुंचा है, और तीसरे तरफ उस विकास के मजबूत साथी अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला के तरह, जिसमें सेकुलर नींव और खून भरा हुआ हो हफीजुल, और एक तरफ चुन्ना बाबू सोराट, ये है हेमंत सोरेन जी की एमएसपी महागठबंधन की। एक तरफ चुन्ना बाबू, एक तरफ हफीजुल साहब, एक तरफ इंसानियत के पप्पू यादव। ये जो पप्पू यादव है ना, ये हर दुनिया के लिए जीने वाला एक बेटा है, और एक बेटा यहाँ है, यह बेटा और एक बेटा झारखंड का है, और हम जीतेंगे, अदानी को भगाएंगे, हेमंत जैसे गुंडे को भगाएंगे, और सिंधु कानू जैसे क्रांतिवीर हेमंत को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज इस तरह जनसेला मुझे उम्मीद नहीं था, इतना प्यार मधुपुर के लोग मेरे से करते हैं। जो जनसेला वो उतरा है, लगता है कि इतिहास में पहली बार मधुपुर में इतना जनसेला उतरा है। हम सभी भाइयों से कहते हैं कि जिस तरह आपने मेरे वालिद साहब को 4 बार अपना मोहब्बत, प्यार और समर्थन दिया, एक बार फिर हमको दिए, और फिर आप एक बार हमको फिर आप मौका दीजिए। मैं एक सुंदर मधुपुर, मोहब्बत वाला मधुपुर बनाऊंगा, नफरत वाला मधुपुर नहीं बनाऊंगा, और विकास का जो हम गंगा इतिहास बहाए और इसमें आगे बढ़ते रहेंगे।